स्वतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मोपमेन भूतानि दरिद्रः परमिक्षते। तो जो श्रीमद से अंधा हो गया है उसकी आंखों में ज्योति डालने के लिए सबसे अच्छा अंजन क्या है? दरिद्रता। नारद जी चुन रहे हैं सबसे बेस्ट मेडिसिन। और श्रीमद से अंधा हुआ है तो धनहीनता से आंख खुल जाएगी, सारा धन उसका छीन लिया जाए, दरिद्र बना दिया जाएगा, तब विवेक हो जाएगा, तब वो देख सकता है कि गरीब लोग कैसे जीवित रहते हैं, तब वो संभाल करके चलने लगेगा। तो कहते हैं असतः श्री मदान्धस्य दारिद्र्यम परम अंजनम। जिसकी आदतें बिगड़ गई है संसार में धन के कारण, अंधा हो गया है, तो दरिद्रता उसके लिए अंजन है। तो दरिद्र होने पर तब अपने समान और दूसरों को देख सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी कितना कष्ट से जीवित होता है। किसी जीव को मारा जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है। जब आदमी गरीब होता है तब उसके समझ में बात आ जाती है। जब हमारे पैर में कांटा चुभता है तो फिर हम नहीं चाहते हैं कि हमको फिर कांटा चुभे। तो इसी तरह से हम उस व्यथा का अनुभव करके समझ जाते हैं कि दूसरे के शरीर में भी यदि कांटा चुभाया जाएगा तो उसको भी इतना ही दर्द होगा, वो समझ जाता है। और जिसके शरीर में कभी कांटा चुभा नहीं वो दूसरे के शरीर की व्यथा नहीं जान सकता। जो कभी गरीबी का दुख नहीं देखा वो नहीं समझेगा गरीबों का दुख। श्रीमद से अंधा हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति निरस्तंभ होता है, घमंड नहीं होता है, सभी मदों से मुक्त रहता है। मद होगा ही नहीं, धन नहीं रहने पर मद नहीं हो सकता है, हिंसा भी उससे नहीं होती है। पैसा है ही नहीं तो कसाई खाना कैसे चलाएगा? जितना पाप है बड़ा बड़ा सब धनी आदमी करते हैं, वही उसके कंट्रैक्टर है पाप करने के, उनको शक्ति होती है। तो हिंसा भी उनकी चली जाती है और शरीर छीण हो जाता है दरिद्र का। अन्न की आकांक्षा रहती है, भोजन की आकांक्षा बनी रहती है, इंद्रियां सुख जाती हैं, इसलिए हिंसा भी चली जाती है। और दूसरा नारद जी कह रहे हैं कि दरिद्र व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि साधु महात्मा उसी के पास जाते हैं, गरीब आदमी के पास जाते हैं। ये नारद जी का उद्गार है। दरिद्र शैव युज्यन्ते साधव समदर्शिना। गरीब होने पर सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि साधु महात्माओं का संग होता है। आज उल्टा समय आ गया है, तथा कथित सो काल साधु सब धनियों के द्वार पर घूमते रहते हैं। वो साधु है नहीं रियली, वास्तव साधु की एक प्रकार से परिभाषा दी गई है कि दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधव समदर्शिना। साधु गरीब के ही द्वार पर जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे बात सुनेंगे, भगवान की बात सुनेंगे। धनी लोग सुनते नहीं है, वो सुनते नहीं है, उनको फुर्सत नहीं होती है, दे आर नो टाइम टू हियर। तो इसीलिए साधु लोग धनियों के दरवाजे पर नहीं जाते। और साधुओं के संग से क्या लाभ होता है कि संसार की जो उनकी वासना होती है वो भी चली जाती है। गरीब होने पर वासना तो रहती है कि हमको धन हो जाए, हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जब साधु का संग होता है तो मान लेते हैं कि हम ठीक है, भगवान हमारे लिए उचित धन दिए हैं, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। उनकी तृष्णा चली जाती है साधु संग से, और उपवास आदि जो उनको करना पड़ता है यही उनके लिए बड़ा तप होता है। सबसे बड़ा लाभ गरीबों को यह होता है कि उन्हें महात्माओं का संग प्राप्त होता है। और यह सत्य है कि रियली जो महात्मा होते हैं वे गरीबों के यहाँ जाते हैं, धनियों के यहाँ तो जा भी नहीं सकते। फिर हम लोग तो हम पर्सनल ये नहीं कह रहे हैं कि हम महात्मा हैं, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं। बंबई में जब बड़े बड़े धनी आदमी के पास जाना होता है तो महीनों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तो उधर से फोन आता है, नहीं हम दूसरे वीक में खाली है। कोई शिष्य बात करता है फोन पर तो वो बताते हैं कि नहीं हम इस महीने में खाली नहीं, इसमें खाली नहीं, उसमें खाली नहीं।
और किसी गरीब से आप बात कीजिए कि हमारे गुरुजी आपके यहाँ आना चाहते हो, तो वो बेचारा सौभाग्य मानता है, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारा अहो भाग्य होगा हमारे यहाँ आ जाए, तो तत्काल रिस्पॉन्स मिलता है और अपने अपनी अपने पोजीशन के अनुसार वह बेटर स्वागत करता है। और धनी आदमी तो एक दो सर्वेंट लगा देगा कि साधु आए हैं, इनको खिला पिला दो, हमको फुर्सत नहीं, और लिफाफा में कवर में थोड़ा कुछ दे दिया, बस हो गया, चलो 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 ऐसे कहते, उनको फुर्सत नहीं है भागवत सुनने की। ये देखा जाता है क्योंकि धन के कारण इंद्रियों का प्रवाह विषय की ओर रखता था, तो जिसके इंद्रियों की धारा विषय की ओर है उसकी धारा भगवान में कैसे लग सकती है, धन इसमें कारण होता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि सबसे बड़ी औषधि है दरिद्रता, और एक कवि ने तो यहाँ तक कहा गया है कि दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों में दरिद्रता जो है वो अच्छे जगह पर रहती है, विद्वत सब निवासिनी, ये विद्वानों के घर में रहती है दरिद्रता है। गरीबी विद्वानों के घर में रहती है और लक्ष्मी तो दुराचारियों के घर में रहती है। विद्वत सब निवासिनी, विद्वानों के घर में दरिद्रता रहती है और सब प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाली है, इसीलिए दरिद्रता ठीक है। आजकल के गृहस्थ इस बात को सुनेंगे तो भयभीत हो जाएंगे कि इस तरह की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें मुख्य आशय यह है कि आवश्यकता से अधिक धन हमको श्रृंखल बना देता है, इंद्रियों को भोगों में जोत देता है, प्रवाहित आवेश हो जाता है, तो उतना धन नहीं चाहिए, या धन हो भी तो उसे धर्म में लगाया जाए, भोगने में न लगाया जाए, नहीं तो इंद्रियों को वो विषयों की तरफ मोड़ देंगी। इसीलिए धनियों के लिए बताया गया, वास्तव में धनियों के पास जो धन है वो गरीबों का धन है, और जगह न रह करके वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसे करना क्या चाहिए कि उसे पुनः गरीबों को लौटाना चाहिए, ये कर्तव्य होता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहा करते थे इस बात को कि धनियों के पास जो धन है वो सबके पास का थोड़ा थोड़ा आकर इकट्ठा हो गया है, तो उसको दान द्वारा फिर बिखेर देना चाहिए, फिर गरीबों के पास पहुंचा देना चाहिए, भोजन के रूप में, कपड़ा के रूप में, दवा के रूप में, भगवत प्रसाद के रूप में फिर लौटा देना चाहिए, लौटाते रहना चाहिए। धन आएगा, अपने अपने कर्म से धन आता है, धन को आना ही है, लेकिन उसको लौटा देना चाहिए उचित काम में, धर्म में लगाना चाहिए।